गौतम जैन सीनियर सर्जन सूर्य हॉस्पिटल, एक प्राइम हॉस्पिटल है ईस्ट दिल्ली में, वहाँ एक सीनियर सर्जन हूँ। जो प्रोसीजर मैस्टेक्टमी है इसमें ब्रेस्ट सर्जरी होती है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विद एंड ब्रेस्ट सर्जरी इज डन। नॉर्मली पेशेंट जब हमारे पास, फीमेल पेशेंट जब आते हैं तो वो लंप या स्वेलिंग लेके ब्रेस्ट में आते हैं। कुछ स्वेलिंग्स ये लंप्स काफ़ी अरसे से चले आ रहे होते हैं और एकदम साइज में इंक्रीज करते हैं, या स्किन की पकरिंग होती है, या निप्पल का रिट्रैक्शन होता है, या कलर चेंजेस ब्रेस्ट में आते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा साइज बढ़ जाता है तो ये पूरी ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं और आगे चल के एक्जिला और आगे के इससे नेक और बाकी चीज़ें इन्वॉल्व कर लेते हैं। हिंदुस्तान में नॉर्मली इस सिचुएशन को, ब्रेस्ट स्वेलिंग को कैंसिल लिया जाता है अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। नॉर्मली इन पेशेंट्स को हम 3-4 इन्वेस्टिगेशन से असेस करते हैं, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है, इस FNAC होती है, एक टू कट बायोप्सी होती है। बट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड द डायग्नोस्टिक पैरामीटर, सर्जन का अपना हाथ है, उसका अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें वो बताता है कि ये लाइकली ब्रेस्ट में क्या होगा। ब्रेस्ट में दो किस्म की गांठें होती हैं, एक कैंसर की गांठ होती है और दूसरी नॉन कैंसरस गांठें होती हैं। नॉन कैंसरस गांठें नॉर्मली फीमेल्स में, अनलैक्टेट नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स में मिलती हैं, जिनको हम फाइब्रोएडनोमा कहते हैं। इनके रिमूवल को निकालने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर मेन सर्जरी और मेन प्रॉब्लम फीमेल्स में पाई जाती है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान में नंबर 2 रिकग्निशन में आता है आफ्टर कैंसर सर्विक्स। ब्रेस्ट कैंसर में 2 किस्म की सर्जरी करते हैं। इसकी पहले डायग्नोसिस, जैसे कि मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड, FNAC और बाकी पैरामीटर्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI करने के बाद जब एक बार हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, तब हम इसकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करते हैं, जो 2 किस्म की होती है। अगर तो ये लोकल इन्वॉल्वमेंट है और छोटी स्वेलिंग है तो इसमें हम लोकल मैस्टेक्टमी करते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, 5 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ जाता है और आसपास का एरिया इन्वॉल्व करता है, तो इसमें हम एक्सटेंसिव वाइड एक्सीजन या रेडिकल मैस्टेक्टमी करते हैं, जिसे मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी भी कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट और एक्जिला की गांठ और लिम्फ नोड्स वगैरह सारा मटेरियल निकाल के वो बायोप्सी के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे पता चलता है कि हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी व हार्मोनल ट्रीटमेंट देना है, कितना देना है, किस अरसे तक देना है, क्या देना है, ये सब उसके बायोप्सी रिपोर्ट के ऊपर कंफर्म करता है। ब्रेस्ट कैंसर को लोगों ने टैबू माना हुआ है। टैबू मानने का एक तरीका है कि इससे कैंसर वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर नहीं है जो एकदम आपको ज़िंदगी से दूर ले जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर अगर सही टाइम पे टैकल हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए, तो देखा गया है कि अच्छी लाइफ 5, 10, 15 साल तक अच्छी लाइफ है। मेरे ऑपरेटेड पेशेंट करीब 20 साल से मैं उन्हें फॉलोअप कर रहा हूँ, जो स्टेज 1 में आ गए हैं। इस कैंसर की भी आगे चल के स्टेजिंग होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4, आगे कितना मेटास्टेसिस होता है, मेटास्टेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्टेज 1 और 2 पे, जो कि हम लकी होते हैं, अगर सर्जरी हो जाए तो इसके रिजल्ट सर्जरी के बाद के बहुत अच्छे होते हैं। सर्वाइवल रेट प्रैक्टिकली 10 ईयर्स इज मोर देन 70%। और अगर स्टेज 3 और 4 में हम सर्जरी करते हैं तो सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। इसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में मानते हैं और इसी से आगे का ट्रीटमेंट फॉलो होता है कि कैंसर के बाद कीमो, रेडियो और हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या देना है। अब नई सर्जरी इसमें आ गई, जिसमें हम जो साइज कॉन्शियस फीमेल्स हैं, जो ब्यूटी कॉन्शियस फीमेल्स हैं, उसमें वो ब्रेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो इसमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी भी साथ ही साथ ले लेते हैं, जिसमें हम पीछे के फ्लैप्स, पेक्टोरल फ्लैप्स को उठा के उसे ब्रेस्ट की तरह शेप दे देते हैं, जिससे कि दूसरे को ये ना पता चले कि इनकी, सामने वाले पेशेंट की ब्रेस्ट सर्जरी हुई हुई है। ये अब आजकल कॉमन फिनोमेना विदेशों में और हिंदुस्तान में भी आ गया है, जिसमें हम कैंसर की भी सर्जरी कर देते हैं और ब्रेस्ट को भी कंजर्व कर देते हैं। दिस इज नोन एज ब्रेस्ट कंजर्विंग मैस्टेक्टोमी। थैंक यू सो मच।